नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एवं पशुपालन में। तो एक अच्छा मुर्रा का पशुधन बच्चे से लेकर बड़े तक कैसे तैयार करें, एक अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने फील्ड में तो घूमते ही हैं, जानकारी अच्छी है, लेकिन अपने घर पर अच्छी मुर्रा तैयार कर दी है जिन्हें हम हीरोइन की संज्ञा दे चुके हैं। तो आज डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है जी। जी। जिला शामली जी, गांव खेड़ा कुर्तान जी, उत्तर प्रदेश जी। तो आप भी भाई, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम शेखर है जी। मेरा नाम शेखर है जी, गांव खेड़ा कुर्तान जी, जिला शामली उत्तर प्रदेश जी। तो बताएं डॉक्टर साहब, आपने इन जो कटियों की, जो कटिया आपके पास हिपर्स हम कह सकते हैं, जो तैयार की हैं, इतनी सुंदर जिन्हें देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और हम भी सहारनपुर से चलकर आपके शामली में आपके पास आए हैं, जो बिल्कुल बागपत से करीब लगता आपका गांव है, जो बागपत की सीमा ऐसा है। हाँ जी, लास्ट में है जी। जी जी जी। तो बताएं आपने कैसे तैयार किए हैं बच्चे, बताएं। बच्चे पहले तो माँ का दूध पिया जी। अच्छा जी, कितने महीने, कितना दूध? दूध पिया जी 7 महीने तक जी। जी। और उसके बाद अपना ये जो राशन है जी, राशन में क्या क्या था भाई साहब, बताए। जैसे खड़ा है जी, बिलोनों की जी, खंडा है जी जी, और सिरसों की खड़ी जी जी, और उसके बाद ये अपना मिनरल मिक्सचर है जी जी, जैसे एनरबूस्ट है, ब्रेड है जी जी। तो एनरबूस्ट ये कौन सी कंपनी का है? तो कंपनी पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, मिनरल मिक्सचर की मैं बता सकता हूँ। पोब्रेड के बारे में बताइए भाई साहब थोड़ा। ऊब्रेड इसका है जी, एनएमएक्स कंपनी का जी। जी जी। और ये लगभग 5 किलो में, 10 किलो में भी सब में उपलब्ध है। क्या क्या मैं दिखा दूँ एक बार, एक मिनट वो बस। जी। तो ये क्या काम करता है डॉक्टर साहब? ये बच्चे को कम समय में तैयार करने का जो चमक है जी, ब्लैकनेस जी, उसके लिए जी। तो चमक और बच्चा तैयार जल्दी हो। दूध आपने बताया कि 7 महीने तक पियाए। हाँ, तो कितना आधा या कितना, एक थन दो थन जैसे? देखो तो अपने अपना हुआ है जी, लेकिन हम तो अगले जो दो थन है उन्हें पिलाएं जी। अगले दो थन पिलाते हो? अपना ही आप बताएं, किसी का ना बताएं, अपना ही बताएं, जो आप देते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, वही बताएं जैसे आपने बच्चे तैयार किए हैं। तो खल जैसे आपने बताई, चने का खंडा और सिरसों खल चुकर, तो और भी एक्स्ट्रा कुछ देते हो? नहीं जी, बस मिनरल मिक्सर, दूध और ये खंडा जी। जी जी, खंडा कल। तो वाकई डॉक्टर साहब ने अच्छा फीड प्लान हमें बताया है, अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। मात्र 25 महीने के कटिया आप देख सकते हैं, हाइट लेंथ काफ़ी 5 फुट क्रॉस हाइट लेंथ है, और ये 13 महीने की जो कटिया है पिछली वीडियो में हम दिखा चुके हैं। तो बहुत बहुत डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना अच्छी जानकारी देने के लिए। और एक जानकारी और थोड़ी सी दे दें, सीमन के बारे में फिर से बता दें। सीमन जो है जी, मैं खुद ही जाके लेके आऊँ जी। अच्छा। और किसी के साथ भी ना, खुद ही ऐसा सोच रहा कि सीमन कोई सा और पैकिंग कोई सा हो। जी जी जी। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा जी कि जो हमारी यूपी है वो भी कुछ थोड़ा आगे बढ़े, जैसे कि हरियाणा में उसी प्रकार अच्छे ब्रीड और अच्छी कीमत के पशु तैयार करें। तो ज़्यादातर सीमन सभी रखते हो डॉक्टर साहब? हाँ जी। तो बहुत बहुत लक्ष्मी डेयरी एलएफडी के जी। जी जी जी। और एलडीएफ जी, एचएलडी भी। हाँ जी। और जो करमवीर जी के हैं सारे, बिरला, युवराज, सूरवीर, चांदवीर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने एरिया में जी, फील्ड में जी, फील्ड में भी काफी लगा दिए जी। फील्ड में काफी लगा चुके हो? बच्चे भी आने शुरू हो गए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के। और मैं तो ये सभी अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार खेत में अच्छी पैदावार लें, उसी प्रकार अपने पशुओं में भी अगर अच्छी पैदावार लेंगे, अच्छी नस्ल के सीमन लगवाएंगे, तो अच्छी ब्रीड तैयार होगी जी और अच्छी कीमत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही जानकारी, सही जागरूकता डॉक्टर साहब ने हमें दी है। वाकई प्रैक्टिकल के तौर पर मैं किसी डॉक्टर को ऐसे नहीं पूछता, क्योंकि डॉक्टर फील्ड में बहुत हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर कम ही मिलते हैं जिन्होंने अपने घर पे ही काला सोना, हिरणियासी, मोरनियासी ये कटिया तैयार की हैं। वाकई जागरूक पशुपालक भी हैं और जागरूक डॉक्टर भी हैं, वाकई शानदार पशुपालक हम इन्हें कह सकते हैं। बहुत अच्छे पशुधन तैयार किए हैं डॉक्टर साहब ने। थैंक